अरे यो गाइस, तो गाइस मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की न्यूज़, क्योंकि आज मुझे पता चला है हमारे आयरन मैन भैया पिछले 3 महीनों से एक न्यू वो भी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने सुना है उनके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से वो बना रहे हैं एक स्पाइडर मैन भैया वाला, वो भी बहुत ही कमाल का शूट। लेकिन दोस्तों अभी तक मुझे पता नहीं है वो शूट किस तरह का है और वो कब रेडी होगा, लेकिन चलो इसी बारे में पता करने क्यों ना अवेंजर्स के पास चला जाए। ओह मज़ा आएगा, क्या बोलते हो गाइस? तो चलो सबसे पहले यहाँ से कूद जाता हूँ। अरे रे रे राम जी कूदता हूँ। आ आ तो गाइस, अरे बाप रे पैराशूट टूट गया। आ आ बच गया दोस्तों। देखा मेरा कितना कमाल का स्टंट था, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो गाइस जल्दी से 1 मिनट पे चल जाता हूँ। तो जल्दी से चलते हैं गाइस अपनी कार के पास, वो रही हमारी कार। और गाइस अब चलता हूँ मैं सीधा स्टार्क मेंशन। गाइस वहीं पर जाने के बाद हमें सीधा टोनी स्टार्क भैया से ही पता करना होगा कि वो असल में बना क्या रहे हैं। और गाइस अगर वो मुझे पसंद आ गया तो आप जानते हैं ना मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा चीज़ें चुरा लेता। अरे बाप रे गाइस, अभी रुको 1 मिनट, बात करने का बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि हमें सीधा सबसे पहले स्टार्क मेंशन पहुंचना ही होगा। तो गाइस ये रहा हमारी टोनी भैया का एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला स्टार्क मेंशन। तो गाइस चलो उसके अंदर एंटर किया जाए। अरे बाप रे आराम से आराम से। तो ठीक है गाइस, वैसे फ्रेंकलिन भैया तो मेरी बैंड बजा देंगे, मैंने उनकी कार का क्या हल कर दिया है, कोई बात नहीं है। चलो मैं पहुँच ही गया हूँ गाइस, जल्दी से नीचे उतरता हूँ। तो गाइस चलो जल्दी चलते हैं, वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट रात होने वाली है। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं अभी अंदर जाता हूँ और जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो देखते हैं। अरे पाप, यहाँ तो हल्क भैया हैं, अरे थोर भैया भी हैं, अरे पाप ये वैनम भैया क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अरे वाह वाह क्या कमाल की सेल्फी आ रहे हैं। बाप रे नाम दरम दरम। बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, उसके बाद मज़ा आएगा एवेंजर्स, तुम सब रेडी हो ना। अरे बाप रे हल्क भैया ये आप क्या कर रहे हैं? और ये टोनी स्टार्क ने मुझे सफाई का काम दिया है यार। ओडिन की कसम, हम चल से चल इस कॉफी को कंप्लीट करके ही रहेंगे। अरे वाह बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बाप रे नाम नरम, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे सिंचन बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आयरन मैन भैया असल में मैं तो आपसे मिलने आया था, मैं पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, क्योंकि अगर आपको जरूरत हो एक न्यू सुपर हीरो की तो मैं हूँ ना नया सुपर हीरो। हाँ बच्चे चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कितना ज्यादा बिजी हूँ। मेरे हिसाब से मुझे अभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जरूरत है एवेंजर्स, मुझे पता है हमारे जो सुपर विलन्स है वो इस सूट को चुराने जरूर आएंगे, इसलिए तुम सबको सिक्योरिटी देनी होगी बाहर जाके, सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपका। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों की मेहनत है और मैं इसे बहुत ज्यादा पैसों में बेचने वाला हूँ। बाप रे दोस्तों, टोनी भैया तो इस सूट को बेचने के लिए बनाए हैं, तभी सोचो इन्होंने इतनी मेहनत क्यों की है। अब मेरे हिसाब से दोस्तों मैं नहीं चाहता ये सूट इतनी दूर चला जाए, मैं भी तो देखूँ इस सूट में ऐसा क्या खास है जो टोनी स्टार्क भैया ने इसे इतने दिन से बनाया है। तो दोस्तों अब समय आ गया है मेरा चोर बनने का, तो अब बनूंगा शिनचैन। अरे बाप रे आराम से। तो गाइस अब बनूंगा मैं शिनचैन दी बिगेस्ट थीफ। वैसे ये नाम जच नहीं रहा, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। देखो दोस्तों मैं इस सूट को बहुत आसानी से चुरा के ले जाऊंगा एवेंजर्स के पास से। अरे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कोई है? रुको रुको, हमें आराम से देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये सारे सारे एवेंजर्स यहाँ निगरानी कर रहे हैं। एक मिनट, ये तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया है, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे दोस्तों, ये तो जादूगर है, पता कर लेंगे, मैं यहाँ छुपाऊँ आराम से। तो गाइस एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं स्मोक बॉम्ब फेंक दूँ और डॉक्टर स्ट्रेंज भैया को पैनिक कर दूँ। तो गाइस समय आ गया है और ये फेंकता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो गया? अरे भागो रे, अरे हम पे हमला हो गया है, भागो भागो। गाइस ये स्मोक का कमाल, वैसे ये स्मोक नॉर्मल स्मोक नहीं है, इस स्मोक से कोई भी सॉर्सरर बेहोश हो सकता है, इवन गॉड भी। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्मोक है और ये इंसानों पर काम नहीं करता। मज़ा आ जाएगा, चलो जाके देखते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया क्या कर रहे हैं। एक मिनट देखता हूँ क्या हो रहा है। अरे बाप रे ये तो बेहोश हो गए। ओह मजा आ गया दोस्तों, ये देखो हमारे डॉक्टर सिंह भैया बेहोश हो चुके हैं। तो गाइस अब शिनचैन नोहारा को और भी काम करने होंगे, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, मैं उस सूट को चुरा के ही रहूँगा। अब यहाँ देखते हैं कोई है तो नहीं। एक मिनट, यहाँ पे हमारे वैनम भैया हैं, मुझे वैनम भैया को बेहोश करना होगा। मैं वैसे श्योर नहीं हूँ कि वैनम भैया पे ये स्मोक काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं इनसे बात करता हूँ। अरे वैनम भैया सुनिए मेरी बात, अभी अभी डॉक्टर सिंह भैया पे बाहर हमला हुआ है, मेरी बात सुनिए। मेरे आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बाकी एवेंजर्स को मत बताइएगा, आप ही जाइए और जाके उस विलन को मार दीजिए।
दीजिए। हाँ यार तुम सही कह रहे हो यार सिंचन, हम अवेंजर्स के हीरो बन के दिखाएंगे। हैं अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ को तुम, हम तुमको बचा लेंगे, एक मिनट यहाँ पे तो कोई भी विलन नहीं है यार, चलो और जोर जाके देखते हैं। अरे बाप रे कोई तो मिल जाओ हमें मारना है। देखा दोस्तों मेरा प्लेन काम कर गया, लेकिन दोस्तों अभी बाकी अवेंजर्स भी इसी मेंशन के अंदर है, लेकिन मुझे तुम्हारी पापड़ी तो हेल्प हुई है, ये रिंग में क्या कर रहे हैं, कल साक्षा में आ गया है, हल्क भैया को भी किसी तरह से बेवकूफ बनाने का मजा आ जाएगा। हल्क भैया तो दोस्तों यहाँ पर जिम कर रहे हैं, वो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से हल्क भैया को बेहोश करना या फिर इनको परेशान करना सही नहीं रहेगा, इनको तो पता भी नहीं चलेगा मैंने कब क्या किया। चलो जल्दी चाके देखते हैं बाकी यहाँ क्या हो रहा है, एक मिनट मुझे ठीक से देखना होगा क्या कोई यहाँ पर अवेंजर अवेलेबल है। नहीं दोस्तों यहाँ तो कोई भी अवेंजर नहीं है, चलो नीचे जाके देखता हूँ। अरे बाप रे आराम से नीचे गया मैं तो, अरे तो कैसे, एक मिनट यहीं कहीं वो शूट होगा, लेकिन है कहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। अरे बाप रे एक मिनट, ये तो थोर भैया है। नहीं दोस्तों तो समय आ गया है थोर भैया को बेहोश करने का, मैंने सुना है इससे गॉड भी बेहोश हो जाते हैं। ये लाओ और ये लाओ। इस गॉड की कसम ये क्या हो रहा है, चारों तरफ धुआं धुआं। टोनी ये तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टोनी तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या। अरे बाप रे इनको लग रहा है मैं टोनी स्टार्क भैया हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे क्या, मुझे तो इनको बेहोश करना था बस, एक मिनट अब वेट कर। अरे बाप रे हो गए, हमारे थोर भैया भी बेहोश हो गए, मजा आ गया। तो दोस्तों अब समय आ गया है फाइनली शूट को चुराने का, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले देखना होगा क्या यहाँ पर शूट है भी या नहीं। एक मिनट यहाँ तो विजन भैया पड़े हैं, लेकिन शूट तो यहाँ है ही नहीं दोस्तों, असल में टोनी स्टार्क भैया ने शूट छुपा के कहाँ रखा है। दोस्तों मुझे ढूंढते ढूंढते सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी तक शूट नहीं। एक मिनट उस वाले कमरे में कौन है दोस्तों। अरे बाप रे वो तो हमारे टोनी स्टार्क भैया, ये क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे ये तो जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह की जॉगिंग। अरे बाप रे ये रहा मेरा शूट। अरे वाह दोस्तों मुझे शूट मिल चुका है। हाँ मेरी बात सुनो, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे बाप रे दोस्तों ये तो टोनी स्टार्क भैया किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होगा शूट को यहाँ से निकालना। एक काम करता हूँ, क्यों ना पूरे स्टार्क मेंशन में मैं सिर्फ और सिर्फ स्टिकी बॉम्ब लगा दूँ, क्योंकि स्टार्क मेंशन भैया जो हमारे टोनी स्टार्क हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको पता चल जाएगा अगर मैंने उनसे कुछ भी हरकत की। इसलिए दोस्तों क्यों ना मैं पूरे स्टार्क मेंशन को ही उड़ा दूँ। इससे क्या होगा, इससे पूरे के पूरे स्टार्क मेंशन में हलचल हो जाएगी और हमारे टोनी भैया भाग जाएंगे, और उसके बाद मैं सीधा शूट लेके यहाँ से गायब हो जाऊँगा। ये अरे बाप रे आराम से। तो ठीक है गाइस, मैंने पूरे के पूरे स्टार्क मेंशन में ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए हैं, अब समय आ गया है स्टिकी बॉम्ब्स को बूम बूम करने का। क्या आप तैयार हैं? अगर दोस्तों आप चाहते हैं ये स्टिकी बॉम्ब बूम बूम हो जाए तो जल्दी से एक लाइक कर जाओ, फिर उसके बाद मजा ही आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं किसी सेफ प्लेस पर चला जाता हूँ, पता चलेगा कि मेरी बैन बच जाए तो 1 2 3। अरे बाप रे तो पहले फट गए। अरे रे 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 गाइस ये क्या हो रहा है, बाप रे ये क्या हो रहा है, चाविस पता करो। अरे चारों तरफ से बूम बूम क्या हो रहा था अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एवेंजर्स कहां चले गए, पागल के पागल सारे के सारे। गाइस मुझे लगता है सारे एवेंजर्स स्टार्क मेंशन से बाहर चले गए हैं, अब समय आ गया है उस शूट को चुराने का और एक कमाल का सुपर हीरो, वैसे मैं सुपर हीरो ही बनूंगा, चिंता ना करें दोस्तों मैं सुपर विलन नहीं बनने वाला, लेकिन इस शूट को पहनते कैसे हैं। गाइस प्लीज लाइक करो और मुझे बताओ शूट को कैसे पहने। अरे बाप रे मैं तो काफी ज्यादा अच्छी तरह से फिट हो गया शूट में, तो ऑटोमेटिकली मुझे इक्विप कर लिया, लेकिन दोस्तों मचाएगा, अब देखते हैं गाइस इस शूट में क्या क्या पावर्स हैं। अरे वाह दोस्तों ये शूट तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एक मिनट वहाँ कौन है, वो हमारे टोनी स्टार्क भैया हैं, इससे पहले कि इनको पता चले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ये मेरी बैंड बजा डाले। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज है, डॉक्टर स्ट्रेंज पागल क्या कर रहे हो यहाँ लेट के, मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। जॉविस जल्द से जल्द पता करो मेरा सूट कहाँ चला गया, अरे बाप रे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जॉविस मेरा सूट बनाओ। गाइस जितना जल्दी हो सके मुझे लॉस एंजेलिस से बाहर जाना होगा, इससे पहले कि आयरन मैन भैया को पता चले और वो मुझसे फाइट करने आ जाए। सिंजन नोहारा को बहुत तेज जाना होगा। वैसे सही बताऊं तो इस शूट की अभी असली पावर्स मैंने यूज नहीं की हैं, मुझे पता भी नहीं है क्या पावर्स हैं, लेकिन ये दोस्तों ये शूट तो काफी ज्यादा स्लो मोशन में भी आता है। वाह दोस्तों ये तो नई नई पावर मैंने अभी एब्जॉर्ब की है, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे एक मिनट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरे स्पाइडी सेंसेस मुझे बता रहे पीछे से कोई आ रहा है, गाइस समथिंग इज नॉट राइट। अरे बाप रे दोस्तों जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे गाइस जल्दी जल्दी भागो भागो भागो। अरे बाप रे यार गाइस एक मिनट, ये तो आयरन मैन भैया है। मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो मेरा सूट मेरे हवाले कर दो, ये बहुत ज्यादा महंगा है, तुम्हें पता भी नहीं है ये कितनी ज्यादा वर्थ का है। अरे टोनी स्टार्क भैया ये मैं हूँ सिंचन। सिंचन बच्चे मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, तुम अभी के अभी मेरा सूट मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता भी है मैंने इस पे 4-5 महीने। अरे बापरे क्या कर रहे हो सिंचन, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सिंचन। अरे बापरे गाइस ये टोनी स्टार्क भैया तो मुझे मारने का धोखा दे रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें मुझे इन्हें बैंड करना पड़ा, अब जल्दी से जल्दी मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। बापरे इससे पहले कि टोनी स्टार्क या मेरे पीछे आए, भागो गाइस भागो भागो। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, जल्दी भागता हूँ, मेरी शक्तियाँ भी ठीक से मुझसे यूज करनी नहीं आ रही। अरे बाप रे ये क्या हो गया,
आयरन मैन भैया ने अपनी जेरो को मिसाइल मुझ पे मार दी। अरे बाप रे दोस्तों, खून निकल रहा है। शिनचैन तुझे छोड़, बाप रे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। शिनचैन अवेंजर्स कहां पर हो? इस शिनचैन से मेरा सूट वापस दिलवाओ नहीं तो एक एक को मारूंगा। शिनचैन देखो, तुम्हारे फालतू के गैजेट मुझ पर काम नहीं करेंगे। तुम्हें पता भी है मेरा M85 सूट कितना ज्यादा एडवांस है। अरे बाप रे, लेकिन इस सूट को भी तो मैंने बनाया। बच्चे तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे यूज कर पा रहे हो अपने सूट को? अरे बाप रे दोस्तों, मैं तो इस सूट को काफी अच्छी तरह से यूज कर पा रहा हूँ। ये लो आयरन मैन भैया। वाह दोस्तों, बड़ा ही मजा आ रहा है। गोली मारते हो, लेकिन दोस्तों मेरा सूट तो बुलेट प्रूफ है। हाँ मुझे पता है तुम्हारा सूट बुलेट प्रूफ है, लेकिन इससे कैसे बचोगे? अभी बताता हूँ। अरे बाप रे, हल्क तो मांगे मेरे दोस्त, मारो इसको। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, विलन जान से मार दूंगा विलन। अरे बाप रे, मैं इसे कैसे मार रहा हूँ देखो टोनी स्टार्क। अरे बाप रे गाइस, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो गई। ये हल्क भैया कहाँ से आ गए? मैं तो ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था, लेकिन हल्क भैया ने मुसीबत कर दी। अरे बाप रे, अब तो दोस्तों मेरी बैंड बचने वाली है, मैं तो गया। दोस्तों मेरी मदद करो ना, मैं तो बस फन के लिए शूट को चुरा रहा था, अब कैसे भागू यहाँ से? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक मामला हो गया। मैं तो सोच रहा था। मैम तुम झूठे हो, वो शिनचैन है मेरा दोस्त, मैं उसको नहीं मारूंगा। अरे बाप रे मार दिया। अरे बाप रे दोस्तों, हल्क भैया ने मेरी मदद की। हल्क भैया मेरे दोस्त है। अरे बाप रे, किस तरह के दोस्त है? मुझे लगता है हल्क भैया मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो उनकी मदद कर रहा। बाप रे, लेकिन आयरन मैन भैया बुरे हैं। हल्क भैया मेरी मदद करो। अरे शिनचैन क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे ही मार रहे हो। तेरी तो शिनचैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने बहुत ज्यादा गलत पंगा लिया है मुझसे। तेरी तो चेहरे मेरे चेहरी को मिसाइल का कैसा लगा तुझे? अरे बाप रे गाइस, मेरे अंजर पंजा ढीले आ रहे। बाप रे, एक मिनट अभी बताता हूँ, जेल आ रहा है। अरे अरे भाई दोस्तों, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का शूट है, लेकिन मुझे अभी इसे ठीक से यूज करना ही होगा। लेकिन सही बताऊँ तो टोनी स्टार्क भैया का M85 शूट भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे जीतना ही होगा और मुझे यहाँ से भागना ही होगा। अभी बताता हूँ, जय राम। हल्क भैया प्लीज मेरी मदद करो। और शिनचैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिनचैन मेरी बात सुनो, तुम अभी बच्चे हो, ये सूट मेरे हवाले कर दो। सुनो शिनचैन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अरे बाप रे, टोनी स्टार्क भैया भी आपके जैसे ही हैं, जैसे आप हल्क भैया। आपने आप मेरे दोस्त नहीं, आप पूरे हो। ये लो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस सूट को बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। शिनचैन तुम मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये हल्क भैया भी, अरे बाप रे, ये भी तो टोनी स्टार्क भैया की तरह ही मेरे ट्रीट कर रहे हैं। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमाल का बच्चा हूँ, जिसके पास है सुपर माइंड, और मैं अपने सुपर माइंड से कुछ भी कर सकता। बाप रे, ये लाओ। शिनचैन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिनचैन ये क्या किया तूने मुझे? तूने मुझे वॉल से चिपका दिया। अरे बाप रे। अरे वाह दोस्तों, मैंने हल्क भैया को देखो कैसे वॉल से चिपका दिया है। वैसे ये तो किसी पेड़ से चिपके हुए हैं। एक मिनट, ये फायर ब्रिगेड वाले कहाँ से आ गए? चलो कोई बात नहीं है, मजा आ गया दोस्तों। आज की फाइट में अब यहाँ से भागता हूँ।